सो हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल पी एस बाइकर। एंड तुम सभी लोगों को स्वागत करते हैं एक नए वीडियो पर। सो काफ़ी दिन हो गए, लगभग 10 दिन हो गया मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अपने जो नया NS200 है, NS200 BS7, तो उसका जो सामने का जो LED DRL लाइट है वो अचानक से ख़राब हो गया था। चलते चलते मतलब वो ऑन ही नहीं होता था, जैसे ही चाबी ऑन करते हैं तो DRL हमेशा जला हुआ रहता है। चलते चलते कुछ दिन पहले अचानक से वो बंद हो गया। मैंने इसके रिलेटेड आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। सो बाइक को सर्विस सेंटर ले गए, तो वहाँ पे ले जाने के बाद उन लोगों ने बताया कि ये हम लोग अभी ऐसे बता नहीं सकते, या तो पूरा हेडलाइट चेंज करना पड़ेगा या फिर देखते हैं। अभी तो हम लोग मतलब अभी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि बाइक का इंजीनियर आएगा, मतलब इंजीनियर आएगा देखेगा, उसके बाद ही बता पाएगा कि क्या होगा ना होगा, क्या करना है ना करना है, ऐसा हम लोग को बोला गया। लगभग बाइक 10 दिन से ऐसा ही रहा था, मतलब बिना DRL के ऐसे ही हम लोग चलाए, क्योंकि जस्ट DRL नहीं चल रहा है, बाकी सब कुछ काम कर रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद जिस दिन इंजीनियर आया, मतलब इंजीनियर भी था नहीं, इंजीनियर शोरूम से बोला कि इंजीनियर जब आएगा उस दिन हम लोग फ़ोन करेंगे, तो उस दिन बाइक लेके आ जाना। तो ऐसे हम लोग गए शोरूम में, जिस दिन इंजीनियर आया तो वो लोग दूसरा NS200 से तो रिप्लेस कर दिया। तो मैं आप लोगों को अभी एक DRL डायरेक्ट बाइक में दिखाता हूँ, DRL अभी ऑन हो रहा है कि नहीं। सो ये मैंने चाबी ऑन किया, तो चाबी ऑन करते ही आप लोग ये देख ही सकते हो, DRL लाइट्स वर्किंग, DRL लाइट काम कर रहा है। तो पहले ये अचानक से चलते चलते मेरा अगला वीडियो आप लोग देख सकते हो जिसमें ये DRL एकदम बिल्कुल भी नहीं जल रहा था, और अभी देखो DRL जल रहे हैं। और ये आप लोग इसका हाई बीम देखो अभी, सो अभी आप इसका हाई बीम देखो, हाई बीम लो बीम ये देख ही सकते हो आप लोग। अभी दिन का वक्त है और अभी गाड़ी बाइक पार्किंग में लगा है, इसलिए यहाँ पे शेड के नीचे थोड़ा आप लोगों को ऐसे रोशनी में दिखा पा रहा हूँ लाइट का। जब ये लाइट, जब इसका ये सामने हेडलाइट ऑन होता है ना, हाँ, तब ये DRL का पावर थोड़ा कम हो जाता है जब ये चलता है, लेकिन DRL हमेशा ऑन रहता है। चाबी ऑन करते DRL हमेशा ऑन रहता है। जब लोग जैसे ही आप लोग ये स्विच को मतलब इसका लाइट ऑन करोगे, लो बीम ऑन करोगे, तो ये DRL का इसका जो पावर है वो कम हो जाता है। आप लोग ये देख ही सकते हो, आप लोग देख सकते हो शायद, ये देखो DRL का पावर एकदम, DRL जल रहा है लेकिन कम, उसका पावर अभी कम है। ऐसा शायद कुछ ऐसा ही पावर सेविंग वाला मोड होगा जिसके कारण ये जब इसका मेन हेडलाइट जलेगा तो उसके उसी वक्त DRL का पावर जो है कम हो जाएगा। जैसे मैंने अभी छोड़ दिया, ये हाई बीम छोड़ दिया, तो ये देख ही सकते हो DRL का पावर। तो आप लोगों को क्या लगता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। और जस्ट हम लोगों का जस्ट सर्विसिंग चार्ज जो है बस 20 रुपये लिया वहाँ से, क्योंकि एकदम नया बाइक है और वारंटी में है, तो चलते चलते अचानक से ख़राब हो गया। ऐसा नहीं कि हम लोग खुद से ख़राब किया, इसीलिए डायरेक्ट रिप्लेस हो गया। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ जो लोग ये नया वाला NS200 लिया है, BS7 या BS6 वाला LED लाइट यानी डिजिटल डिस्प्ले मीटर वाला, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना आप लोगों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और नेक्स्ट मेरा एक वीडियो आएगा, मतलब माइलेज टेस्ट के ऊपर, इसका जो माइलेज मुझे कितना मिल रहा है वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहना, क्योंकि देखो भाई अभी काम तो करना ही पड़ता है और ये भी मेरा काम है, और अपना डेली का वर्क जो मैं करता हूँ अपने ऑफिस में, तो वो भी मुझे कंटिन्यू करना है। इसलिए मैं मतलब इतने दिनों से वीडियो में मतलब यूट्यूब में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कंटिन्यू हो नहीं पा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाइक के रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूँगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में माइलेज टेस्ट मैं करूँगा इस बाइक का, NS200 का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर देना। एंड जो लोग भी अपने वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो पर।